YouTube चैनल धीरे जो मैं सीसी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 2.7 का पहला सवाल का पहला पार्ट। तो 0.4 को भाग देना है 2 से, तो देखिए 0.4 लिखेंगे, ठीक। भाग की जगह जब गुणे का निशान लगाएंगे तो संख्या जो होती है पलट जाती है, ध्यान रखना। अब जो पॉइंट जाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10। अगर संख्या कट रही है तो काट देंगे, नहीं कट रही है तो छोड़ देंगे। तो ये 2 से हमारी कट रही है तो यहाँ पर आ गया 2, तो ये आ गया हमारा 2/10। अब अच्छे से सोचिए, पॉइंट यानी 0 1 लगा है 0, तो यानी एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 0.35। देखिए 0.35 और भाग की जगह जब गुणे का निशान लगाएंगे तो दर्जा क्या होता है पलट जाता है, ध्यान रखना। तो ये जो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने 0 बढ़ाएंगे 2 0। अब ये देखो 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 7 35, तो ये आ गया 7/100। अब देखिए बट्टे में 2 0 हैं, तो यानी ऊपर जो संख्याएं होंगी 1 2 2 संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 2.48/4। तो 2.48 भाग की जगह जब गुणज लगाएंगे तो दर्जा पलट जाता है। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे नीचे कितने 0 2 0। अब 4 से अगर कट जाए तो काट देंगे, 4 6 24 और 4 2 8 बटे कितना 100। अब 62/100 है यानी 2 0 है ना, तो 2 0 है तो 2 6 यानी 2 संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। तो 65.4 भाग की जगह गुणा निशान लगाएंगे, दर्जा क्या होगा ये पलट जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 0। अब 6 से देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा है यानी कट रहा है, तो 6 एकम 6 और 6 9 54, अब इसके बीच में एक 0 लगेगा, ठीक। अब 109/10, अब जब 10 से भाग देंगे तो 109 आ जाएगा, और ध्यान रखना एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे। इसका पांचवा पार्ट देखते हैं 621.2। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे नीचे, अब इसको हल जब करेंगे, देखो पॉइंट लगा रहने दो अभी, तो लिखेंगे 6 5 1 2 भाग की जगह गुणा निशान लगाएंगे दर्जा हो जाएगा पलट। अब इसको जो पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 0। अब 4 से अगर कट रहा है तो काट देंगे, 4 एकम 4 कितना बचा 2, 4 6 4 6 24 और फिर बचा 1, तो 4 2 8 फिर बचा 3 4 8 32, तो ऊपर आ गया 1628/10। अब देखिए जब 10 है तो कित 1 6 2 8 एक 0 है ना, तो एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इधर, तो देखिए 14.49 भाग की जगह गुणक निशान लगाएंगे दर्जा क्या जाएगा पलट, ये हटाएंगे कितने 0 2 0। अब 7 से इसको काट दो, 7 2 14 और 7 7 49। अब देखो यहाँ पर बीच में 0 होगा, क्यों होगा ये पता होना चाहिए। जैसे 7 से जब हम 1449 को भाग देंगे, 7 2 14, अब यहाँ पर एक संख्या उतारेंगे, उतारना होता है एक, लेकिन यहाँ पर अचानक दो संख्या उतरी इसीलिए 0 बढ़ाया जाता है, ठीक। तो आप 7 7 49, तो 207 आया, तो 207/100, ठीक, ये 7 से 7 कट गया था। अब देखते हैं 207 और 1 2 0 यानी पॉइंट 2 संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा सवाल, तो 3.96 भाग की जगह गुणा निशान दर्जा जाएगा पलट, ये हटाएंगे नीचे 2 0। अब 4 से जब काटेंगे, 4 9 36 कितना बचा 3, फिर 36 हो जाएगा, 4 9 36, ये आ गया 99/100। तो जब 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 99, यानी 2 संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं इसका आठवां पार्ट, तो 0.80 भाग की जगह गुणा निशान दर्जा जाएगा पलट। अब ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 0, अब 5 से काटेंगे 16 आ जाएगा, कितना आएगा 16, तो ये आ गया 16/100। तो 100 से जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा, यानी 2 संख्या से पहले पॉइंट आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर दूसरा कह रहा है ज्ञात करना है 4.8 को भाग देना है 10 से। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, कुछ होता है जिससे अगर एक शैम्पू मान ले, यानी एक शैम्पू अगर 1.5 रुपये का है, यानी 1 रुपया 50 पैसे का, ठीक, तो बताओ अगर 10 शैम्पू कितने का होगा, यानी इसमें क्या करेंगे 1.50 में 10 से गुणा कर देंगे, तो ये 15 रुपये का हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक। अब इसमें मैटर यह होता है जब 10 से गुणा करते हैं तो देखिए जो 5 से पहले था अब वो 5 के बाद में हो गया,
यानी जब 10 से गुणा करते हैं तो पॉइंट दाहिने की तरफ जाता है। अगर यहीं पर फिर अगर आपसे भाग करने को कह दे, फिर कह दे एक ही शैम्पू का कीमत फिर बताइए, तब क्या करेंगे, जब 10 से भाग करेंगे तो फिर एक पॉइंट इधर खसक जाएगा, यानी 1.5 इधर आ जाएगा, यानी 5 के इधर। जब भाग करते हैं तो पॉइंट बाएँ की तरफ जाता है, यानी जब भाग करते हैं तो पॉइंट किधर को जाता है, बाएँ की तरफ, कितना, जितने जीरो हों। और जब गुणा करते हैं तो पॉइंट किधर जाता है, दाहिने की तरफ। ठीक, जब गुणा करते हैं तो पॉइंट किधर जाता है, दाहिने की तरफ। अब आते हैं आंसर पर, देखिए 4.8 यहाँ पर भाग हो रहा है ना, तो पॉइंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो यानी पॉइंट ये 4 के इधर पर चला जाएगा, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 0.48। अब अगर इसको हम हल करते भी हैं फिर भी देखिए 4.8 भाग की जगह गुणा निशान लगाएं, दर्जा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, और ये पॉइंट हटाएंगे ये एक जीरो और आ जाएगा, तो ये आ गया 48/100। अब पॉइंट कहाँ जाएगा, ठीक, दो संख्या से पहले, यानी यहाँ पर। या अगर हम चाहते तो डायरेक्ट इस पॉइंट को यहाँ पर पहुँचा सकते थे, आंसर 48 आ जाता। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, 10 से भाग देना तो पॉइंट चाहे तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भेज सकते हैं, लेकिन अगर हल करना चाहो तो हल कर सकते हो। देखो यहाँ पर लिखेंगे 5, 2, 5, भाग की जगह जब गुणा निशान लगाएंगे दर्जा क्या होगा, ये पलट जाता है हमेशा, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो, एक जीरो, क्योंकि पॉइंट का एक संख्या है, तो ऊपर आ जाएगा 525 और नीचे कितने जीरो हो गए, दो जीरो। जब दो जीरो हो गए तो दो संख्या से पहले पॉइंट लगेगा, तो 1, 2, यानी यहाँ पर आंसर होगा। देखिए ये 2 के इधर आ गया, यानी ठीक। अब आते हैं यहाँ पर बात, तो ये पॉइंट इधर बाएं की तरफ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 0 से पहले आ जाएगा। या आप इसको चाहो तो हल भी कर सकते हो, भाग की जगह गुणा से लगाएंगे 1/10, पॉइंट हटाएंगे 0, तो 7/100। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिए, 2 जीरो है ना, तो यहाँ पर 7, 0, दो संख्या से पहले पॉइंट लग गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट की, यहाँ पर कह रहा है 33.1, तो 33.1, अब देखिए अगर 10 की बात चले तो पॉइंट यहाँ बीच में पहुँच जाएगा। अब देखिए भाग की बात कितना है, 10, अब ये पॉइंट आएंगे ये भी 10, तो ये हो जाएगा 331/100, और जो दो जीरो है ना, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, 1, 2 संख्या से पहले, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इस पांचवें सवाल की, तो यहाँ पर भी देखिए 10 से भाग देना तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी एक पॉइंट इधर खसक जाएगा, 272.23 भाग 1/10, भाग था तो भाग के जगह गुणा निशान लगा दिया, पॉइंट उठाएंगे कितने जीरो, दो जीरो। अब एक दो जीरो तो ऑलरेडी थे यहाँ पर, अब एक जीरो बढ़ गया तो पॉइंट इधर तो जाना ही है, तो अब आ गया हमारा 272.23/3 जीरो। अब 3 जीरो जब है तो आंसर हो जाएगा 272.23, अब 1, 2, 3, यानी यहाँ पर पॉइंट पहुँच गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं इसका छठा पॉइंट, अब देखिए 10 से भाग देना है तो इधर पॉइंट और सरक जाएगा, 0.56, भाग की जगह गुणा निशान लगाएंगे दर्जा पलट जाता है। अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, दो जीरो और बढ़ गए, तो टोटल जीरो हो गए कितने, 3 जीरो, तो आंसर आ जाएगा 56 जीरो। 1, 2, 3 संख्या पूरी हो गई, पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका देखते हैं सातवां पॉइंट, 397/10, तो देखिए 3, अब देखिए 10 से भाग देना इधर 3 के इधर आएगा पॉइंट, 397 भाग की जगह गुणा निशान लगाएंगे 1/10 लिख देंगे, पॉइंट डालेंगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 397/3 जीरो। अब 3 जीरो तो 1, 2, 3, तो यानी 1, 2, 3 संख्या से पहले 397, ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 2.7/100, तो देखिए इसका जब सवाल हल करेंगे तो देखिए 2 जीरो है ना, और भाग करने को करें तो 2 पॉइंट बाएँ की तरफ जाएगा। अब देखिए हल कैसे करेंगे, तो देखिए 2.7 भाग की जगह जब गुणा निशान लगाएंगे तो ये पलट जाता है। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ गया, तो 1 जीरो पहले से था, 2 जीरो ये, तो टोटल हो गया हमारे 27 के पास 3 जीरो। अब जब 3 जीरो हो गए तो पॉइंट से पहले 3 संख्या होनी चाहिए, तो 1, 2 और ये तीसरी और ये पॉइंट, यानी 3 संख्या से पहले 1 पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, तो जब इसको हम लिखेंगे 0.3 और भाग के जगह गुणा यानी 1/100, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो और ये बढ़ेगा, तो टोटल 3 के पास कितने जीरो हो गए, 3। अब जब 3 जीरो हो गए तो टोटल हमको 3 संख्या पूरी करनी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 0.78 की, तो देखिए 0.78 भाग
की जगह जब गुड़े का निशान लगाएंगे तो ये दर्जा गया हमारा पलट। अब पॉइंट रहेंगे नीचे कितने जीरो, दो, तो 78 के बटे में चार जीरो आ गए, तो आंसर आ गया 8 7 1 0 2 0, टोटल कितने अंक हो गए, चार जीरो, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। तो 432.6 भाग की जगह गुणन निशान, तो इसकी जगह कितना लिखेंगे 100, और पॉइंट रहेंगे तो एक जीरो, ये तो आंसर आ जाएगा 432.6 बटे कितने जीरो, तीन जीरो, तो तीन जीरो जब होंगे तो एक दो तीन, ये पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं आगे पांचवे सवाल की। तो 23.6 भाग 100, तो देखिए 23.6 भाग की जगह गुणे निशान लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा, दो जीरो, ये पॉइंट रहेंगे एक जीरो, ठीक, तो आंसर आ जाएगा 23.6 बटे 1000। अब देखिए जब तीन जीरो है ना, तो 6 3 2 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं छठे सवाल की। तो देखिए 98.53 भाग की जगह गुणन निशान लगेगा 1/100, देखिए पॉइंट हटाएंगे नीचे कितने जीरो, दो जीरो, 9 8 5 3 बटे कितना, 1000, ठीक। अब देखिए 1 2 3 4 जीरो है ना, तो 3 5 8 9 चार संख्या होगी, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर चार कह रहा है ज्ञात कीजिए 7.9। अब देखिए यहाँ पर तीन जीरो है और भाग करना है, तो तीन पॉइंट इधर सरकेगा, तो देखिए लेकिन हल कैसे करते हैं, 7.9 भाग की जगह गुणे निशान लगाएंगे तो ये तीन जीरो, अब ये पॉइंट हटाएंगे एक जीरो और बढ़ गया, तो टोटल हो गए 79 के पास 1 2 3 4 जीरो। अब जब चार जीरो हो गए तो यानी 9 7 0 0, अब चार संख्या पूरी करनी है हमको, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए जब यहाँ पर लिखेंगे 26.3 और भाग की जगह गुणे निशान लगाएंगे कितना, 1000, पॉइंट हटाएंगे ये जीरो, तो यह आ जाएगा 263 बटे कितने, तीन जीरो थे चार जीरो हो गए टोटल, और जब चार जीरो हो गए तो यानी 3 6 2 0, ठीक, इधर कुछ भी लिखो, यानी 0.2 0.0263। अब बात करते हैं यहाँ पर 38.53 भाग की जगह गुणे निशान लगाएंगे, दर्जा पलट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे दो जीरो, तो ये हो जाएगा 38.53 बटे 1 0 3 4 5 0 हो जाएंगे, क्योंकि 3 और 2 5, जब 5 0 हो जाएंगे यानी 3 5 8 3 0 पॉइंट, ठीक, यानी 5 संख्या से पहले पॉइंट लगाएंगे। अब बात करते हैं इसकी चौथे की। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 8 9 भाग की जगह गुणे का निशान, ठीक, अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे एक जीरो, तो ये हो जाए 1 2 8 9 बटे में 1 2 3 4 5, चार जीरो, अब ये हो गया 1 2 8 9, यहाँ पर पॉइंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 0.5 भाग 100, तो देखिए 0.5 भाग की जगह गुणन निशान लगाएंगे, ठीक, अब देखिए पॉइंट हटाएंगे एक जीरो, 5 1 5, टोटल कितने जीरो हो गए, चार, तो ये देखिए 5 1 2 3 1 2 3 चार संख्या होगी टोटल, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर पांचवा ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल कह रहा है 7 को भाग देना है 3.5 से, तो देखिए 7 को भाग की जगह जब गुणे का निशान लगाएंगे तो ये दर्जा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। अब देखिए क्या है, जब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे ऊपर जीरो बढ़ जाएगा एक, तो ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 7 दहम 70 और नीचे 35, तो जब 35 से 70 को भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 2। अब इधर देखते हैं 36 भाग की जगह गुणे का निशान लगाएंगे, दर्जा पलट जाएगा, अब जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा यानी 10 से गुणा हो जाएगी। अब ये 2 से ये कट ही जाएगा, कितना आ गया 18, और 18 और 10 की गुणा हो जाएगी 180, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 3.25, तो 3.25 भाग की जगह गुणे के अनुसार लगाएंगे तो 1.05, और जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे दो जीरो बढ़ेंगे, तो एक जीरो से ये जीरो गया कट, ठीक, अब 5 से इसको काट देंगे, 5 6 30 और बचा कितना 2 5 25, तो ऊपर आ गया 65 और नीचे आ गया 10।
अब 10 से जब हम भाग देंगे एक संख्या है ना, तो एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। तो 30.94 भाग की जगह गुणे का निशान लगाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी पलट 0.7। अब ये जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे दो जीरो बढ़ाएंगे। अब ये जीरो से जीरो गया कट। अब सात से इसको काट कर देखते हैं, 7 चौक 28 कितना बचा 2, 7 चौक 28 कितना बचा 1, 7 × 14 तो ऊपर आ गया 442 और नीचे आया 10। अब जब 10 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा 442 तो ये आया। अब एक जीरो है ना तो एक संख्या से पहले पॉइंट लगेगा। अब बात करते हैं पांचवें सवाल की। तो 0.5 भाग के जगह गुणे निशान लगाएंगे 1/0.25। अब पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितने जीरो, दो जीरो, और इससे जब हटाएंगे तो एक जीरो। ठीक, अब एक जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक, पाँच से जब काटेंगे 5 × 5 = 25 तो ऊपर आया है 10 और नीचे है 5 तो आंसर आ जाएगा 2। अब देखते हैं इसका छठा सवाल। 7.75 भाग की जगह गुणे का निशान तो 1/0.25 पॉइंट हटाएंगे ऊपर दो जीरो और ये पॉइंट हटाएंगे नीचे दो जीरो, ये दो जीरो से दो जीरो कट गया। अब 25 से काटते हैं तो 25 × 50 और 17 आएगा, 25 × 50 बचा कितना 27 या 25 × 3 = 75, 25 × 3 = 75 कितना बचा 2 और यानी 25 हो गया, 25 × 25 ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर पाँचवे क्या छठा पॉइंट कह रहा है अभी, तो सातवा कह रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 76.5। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, भाग का निशान जब हटाएंगे तो ये पलट जाता है यानी 0.15। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो, पॉइंट के बाद दो संख्या है तो दो जीरो। अब एक जीरो से तो जीरो गया कट। अब 15 से जब इसको काटेंगे तो 15 × 5 = 75, 1 / 15 = 15 तो 51 बचा ऊपर और ये गुणे में 10 है, बच्चे में तो कुछ नहीं बचा, 15 से कट ही गया तो ये आ गया 510 इसका आंसर। फिर बात करते हैं आठवें सवाल की। तो देखिए 37.8 भाग की जगह गुणे निशान तो ये जाएगा दर्जा पलट, ये पॉइंट के बाद एक संख्या है और ये भी पॉइंट के बाद एक संख्या, ये 10 से 10 गया कट। अब 14 का पहाड़ा, 14 × 28 कितना बचा 9, जब 9 बचा तो 14 × 5 = 70, 14 × 14 = 98 तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो यहाँ पर कितना है 2.73 लिखा है, तो 2.73 भाग की जगह गुणे निशान लगाएंगे तो 1.13। अब देखिए पॉइंट के बाद दो संख्या है तो दो जीरो और ये पॉइंट बाद की एक संख्या है तो एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो गया कट। अब 13 से इसको काटेंगे तो 13 × 26 तो 21/10 और ये आंसर आ जाएगा 2.1, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.4 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करती है, 43.2 किलोमीटर। तो पूछ रहा है एक या गाड़ी एक लीटर में कितना जाएगी, यानी एक लीटर में, एक लीटर पेट्रोल में, ठीक 2.4 लीटर पेट्रोल में इतने किलोमीटर जाती है तो एक लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी। तो देखिए जब एक लीटर को निकालना होता है तो भाग किया जाता है, देखिए कैसे, जैसे 8 पेन, ठीक 32 की है तो एक पेन बताइए कितने का, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर एक पेन दिया है 5 का, अगर ज़्यादा निकालना है यानी 10 पेन निकालना है तब गुणा किया जाता है, ध्यान रखो। देखो जब ज़्यादा दिया हो एक निकालना हो तो भाग, और एक दिया हो ज़्यादा निकालना हो तो गुणा। तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा दिया है और एक का निकालना है तो क्या करेंगे, भाग, यानी 43.2 को भाग करेंगे 2.4 से। तो अब इसको देखिए हल करेंगे, तो 43.2 भाग की जगह गुणे निशान लगाएंगे, दर्जा क्या हो जाएगा पलट, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे एक जीरो, ये तो गया कट। अब देखते हैं इसको काटते हैं, तो देखिए कोई पहले कोई छोटी संख्या से काटते हैं, 6 से काटेंगे तो 6 × 24 और 6 × 6 = 42 कितना बचा 1 और
6 × 7 = 42 × 6 = 12। अब ऊपर आ गया 4, नीचे ऊपर 72, नीचे 4, तो 72/4, तो 4 × 4 = 32, यानी 1 लीटर में 18 किलोमीटर जाएगा। अब बात करते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 2.7 डाइंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।